हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट वेलकम बैक टू टारगेट फॉर बैट आई एम भावना वर्मा एंड वी आर डिस्कसिंग लक्ष्मीकांत फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस चैप्टर में हम थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेरियस थिंकर्स ने कौन कौन से अपने व्यूज दिए हैं और कौन कौन से उन्होंने मैथड्स को और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डिस्कवर किया है सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दैट इज़ गिविन बाय टेलर और एफ डब्ल्यू टेलर फेडरिक विंसलो टेलर सो हम पहले फेडरिक विंसलो टेलर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं उनका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है फिर हम इसको आगे उनके थ्योरीज के बारे में कॉन्टिन्यू करते हैं फेडरिक विंसलो टेलर की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें बायोग्राफी के बारे में उनकी बात करें तो ही वॉज़ बॉर्न इन जर्मन टाउन ऑफ पेंसिलेनिया फ़िलाडेल्फिया के एक जर्मन टाउन में उनका बर्थ हुआ था इन एटीन फिफ्टी सिक्स में इन एटीन सेवेंटी थ्री एट द एज ऑफ एटीन ही जॉइन द एंटरप्राइजेस फॉर हाइड्रोलिक वर्क एंड ही सर्व एज एन अप्रेंटिस फॉर फोर इयर्स विदाउट एनी वेजेस सो इससे पता चलता है कि एक बहुत अच्छे वो इंसान थे उनमें सीखने की चाह थी कि उन्होंने चार साल काम किया एज एन अप्रेंटिस विदाउट एनी वेजेस बिना किसी सैलरी के कि उन्होंने काम किया और बाय प्रोफेशन ही वाज अ मकैनिकल इंजीनियर एफ डब्ल्यू टेलर मकैनिकल इंजीनियर थे एंड उनकी लाइफ में इन नाइनटीन जीरो वन ही डिबोटेड हिज टाइम इन रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टिल हिज डेथ इन नाइनटीन फिफ्टीन नाइनटीन जीरो वन से नाइनटीन उन्नीस सौ एक से उन्नीस सौ पंद्रह तक का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट मीन्स ऑलमोस्ट फिफ्टीन ईयर्स उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को डिस्कवर करने में उस पर रिसर्च में उन्होंने इन्वेस्ट uh, किया डेथ इन 1915। टेलर इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग नॉट बिकॉज ऑफ ओनली हिज वर्क बट आल्सो बिकॉज ऑफ हिज़ पर्सनालिटी बिकॉज वो एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के इंसान थे उन्होंने uh, अच्छे से देख सकते हैं कि उन्होंने चार साल दिए अपने बिना किसी सैलरी के सो so स्टार्ट करते हैं अब उनके प्रिंसिपल के बारे में अब हम मेन प्रिंसिपल उनका कवर करेंगे दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर एंड इन हिज मूवमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय फेडरिक विंसलो टेलर इन द फर्स्ट डिकेट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी इज फर्स्ट कोहर एंड थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट कोहर थ्योरी थी हाउ टेलर वॉज नॉट द ओरिजिनेटर ऑफ दिस थ्योरी टेलर इस थ्योरी के ओरिजिनेटर नहीं है इस थ्योरी के फाउंडर टेलर नहीं है बिफोर हिम मीन्स टेलर से पहले चार्ल्स बेबज हेनरी टाउने हेड्रिक से हेनरी मेटकाफ डेवलप एंड यूज सम साइंटिफिक मैनेजमेंट मैथड्स एंड टेक्निक्स मीन्स इन लोगों ने चार्ल्स बैबिज हिंदी एच आर टाउन फेडरिक हेल्सी एंड हिंदी मेटकाफ्ट ने ऑलरेडी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के जो प्रिंसिपल थे मेथड्स थे टेक्निक्स थी उनको पहले ही डेवलप किया हुआ था बट उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को यूज़ नहीं किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म वॉज़ फर्स्ट क्वाइंट बाई लुइस ब्रांडिज इन नाइनटीन हंड्रेड टेन मीन्स लुइस बैंडीज ने सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड का यूज किया था उन्नीस सौ दस में इट वॉज टेलर वो यूज द टर्म टू गिव अ कम्प्लीट एंड सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी बट टेलर ने क्या किया साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म यूज़ तो किया गया था लुइस ब्रांडिज के थ्रू बट उसके एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसमें एक अंडरस्टैंडिंग की कमी थी बट एफ डब्ल्यू टेलर ने उस कमी को पूरा किया उन्होंने उसका कंप्लीट सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन दिया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और उसकी जो टेक्निक्स है वो क्या कहती है इन प्रमोशन ऑफ़ द ऑर्गनाइजेशनल एफिशियंसी एंड इकॉनॉमी किसको इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल एफिशियंसी और इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए इसीलिए ही टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी दट्स वाई ओनली साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म टेलर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंटेन इन इज बुक जो टेलर की बुक्स हैं कुछ प्रसिद्ध उनमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में दिया गया है जैसे कि पीस रेट सिस्टम इन एटीन नाइन्टी फाइव शॉप मैनेजमेंट नाइनटीन जीरो थ्री आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स नाइनटीन जीरो सिक्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन नाइनटीन इलेवन आफ्टर टेलर मैनी अदर मैनेजमेंट थिंकर्स

साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट हैड अ सिग्निफिकेट इम्पैक्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव थाट एंड प्रैक्टिस इन बोथ इंडस्ट्रियल एज वेल एज गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो थ्योरी का जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ इंडस्ट्रियल में नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल में भी था मीन्स गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका इम्पैक्ट था फ्रॉम यू एस ए इट इज स्प्रेड टू अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग फॉर्मर यूएसएसआर मीन सिर्फ यूएसए में नहीं और भी बहुत सी कंट्री में इस थ्योरी का इम्पैक्ट था यू एस में भी था वेर इट टू का शेप एज अ स्टेक विनाइट यू मूवमेंट इन नाइनटीन ट्वेंटी एंड फोर्टी वट इज़ द बेसिक थीम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी सो अकॉर्डिंग टू टेलर मैनेजमेंट इज़ अ ट्रू साइंस एज इट रेट्स क्लियरली फिक्स्ड लॉ रूल्स एंड प्रिंसिपल विच हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मीन्स टेलर का कहना है कि मैनेजमेंट क्या है मैनेजमेंट इज़ अ ट्रू साइंस इट रेस्ट ऑन क्लियरली फिक्सड लॉ रूल्स एंड प्रिंसिपल which have universal applicability on all types of organization in his own word the same principle can be applied with equal force to all social activities to the management of our home the management of our farms management of our business of treatments large small of our churches our philanthropic uh, institutions universities and other organizational governmental departments means मैनेजमेंट क्या है एक ट्रू साइंस है एक सही साइंस है उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं दैट जो लॉज हैं रूल्स हैं वो क्या है फिक्स्ड है और वो हर जगह के लिए दे आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ आर होम मैनेजमेंट हमारे घर का मैनेजमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट हो वेदर इट इज़ अ स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन चर्चेज का हो इंस्टीट्यूशन का हो यूनिवर्सिटी हो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट हो कुछ भी हो मीन्स यूनिवर्सल एप्लीकेबल है ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू मैनेजीरियल प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स साइंटिफिक मैथड्स का क्या है ये इट इज़ रिलेटेड टू बोथ विद द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजीरियल प्रैक्टिस एंड and production process in industrial organization as well it focused on the lowest level of the organization scientific management because by focus hai, mainly lowest level by focus hai. means it focused on the lowest level of organization it aimed at studying the relationship between the physical nature of work and psychological nature of workmen means साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ेंगे वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचर ऑफ वर्क एंड साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ वर्कमैन। इट इज स्ट्रेस्ड अपॉन द स्पेशलाइजेशन प्रिडिक्टेबिलिटी टेक्निकल कॉम्पिटेंस रैशनैलिटी फॉर इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशियंसी एंड इकोनमी means it is focused on or is it, it focused or specialized on the prediction specialization technical technicalities competence and rationalities kisko improve karne ke liye organizational efficiency and economy ko improve karne ke liye ye cheez hum ek bar aur bhi discuss kar chuke hain economy organizational economy efficiency को improve करने के लिए ही उन्होंने scientific management theory को propound किया था F W Taylor ने Frederick Winslow Taylor name. During his experiment in the industrial organization, Taylor came across a soldiering phenomena, that is tendency on a part of worker to restrict the output. He classified that this phenomena into two kinds. वल बेस्ट नैचुरल सोल्चरिंग एंड सिस्टमैटिक सोल्चरिंग द फॉर्मर इज द रिजल्ट ऑफ पर्सनल फैक्टर लाइक हैबिट टू टेक इट इजी नॉट ओवर टू एग्जस्ट एंड सो ऑन। वाइल द लेटर इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल फैक्टर मीन्स क्या है कि uh, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर इस केम अक्रॉस विद अ विद्जरिंग फिनोमिना टेलर उनकी टेंडेंसी थी कि वर्कर्स के दो दो टेंडेंसी होती है ना दो टाइप के फिनोमिना होते हैं एक नेचुरल फिनोमिना नेचुरल सोल्जरिंग एंड सिस्टमैटिक सोल्जरिंग नेचुरल सोल्जरिंग क्या होता है कि मीन्स किसी चीज को पर्सनली लेना मीन्स इट इज इसको हम पर्सनल ट्रीट कर सकते हैं मीन्स वी 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 टेक इट टेक द इजी वी वी हैव अ हैबिट टू टेक इट ईजी हमें उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है वी डू नॉट हैव टू एग्जर्ट ऑन इट वी वी नीड टू वी हैव टू टेक इट ईजी बट सिस्टमैटिक सोल्जरिंग क्या कहती it is related to the soldiering. है इट इज़ रिलेटेड टू द ऑर्गनाइजेशनल सोल्जरिंग ठीक है मीन्स ऑर्गनाइजेशनल सोशल फैक्टर पे है इट इज़ इट सिस्टमैटिक सोल्जरिंग क्या है कि इसमें सुपरवाइजर्स के जो एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्क होते हैं जो परफॉर्मेंस होती है वो एनालाइज की जाती है एट लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट वाइल इन पर्सनल हम ऐसा कुछ भी एनालाइज़ नहीं करते हैं कोई भी हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है इन पर्सनल सोल्जरिंग में नेचुरल सोल्जिंग में बस सिस्टमेटिक सोल्जरिंग में हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है वर्क को लेकर सुपरवाइजर्स की अपने उसके जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं उनसे ही फेल दैट फंडामेंटल वे ऑफ इंक्रीजिंग एफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन द रिडक्शन ऑफ सोल्जरिंग थ्रू सिस्टमैटिक टेक्निक मीन्स अगर हमें एफिशियंसी को इंक्रीज करना है ऑर्गेनाइजेशन की तो वी नीड टू डू अर इट इज इट इज लाइज इन द रिडक्शन ऑफ सोल्जरिंग थ्रू कौन से मैथड के थ्रू हम अपने सोल्जरिंग को डिडक्ट कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं दैट इज साइंटिफिक साइंटिफिक टेक्निक्स सच इज टेलर बेस्ड ऑन इज थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑफ थ्री एजम्प्शन टेलर की ये जो थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्री एजम्प्शन फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग कैन भी इम्प्रूव विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनिंग होती है जो काम होता है दैट कैन बी इम्प्रूव हाओ विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के थ्रू हम हम वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं अ गुड वर्कर इज़ वन हु डज नॉट इनिशिएट एक्शन बट एक्सेप्ट द ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजमेंट मीन्स को एक अच्छा uh, वर्कर कौन है जो एक्शन खुद से ना ले बल्कि वो जो ऑर्डर मैनेजमेंट के थ्रू जो ऑर्डर दिया गया है उसको वो एक्सेप्ट करे एवरी वर्कर इज एन इकोनॉमिक मैन दैट इज ही मे बी मोटिवेटेड बाय द मॉनेटरी फैक्टर्स मींस हर व्यक्ति क्या है इकोनॉमिक मैन है मींस उसको पैसा कमाना है तो ही मे बी मोटिवेटेड बाय द मॉनेटरी फैक्टर्स अब मॉनेटरी फैक्टर्स पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं मींस हमें अगर ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो हम इंसेंटिव प्लान्स कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव प्लान कर सकते हैं वर्कर्स की जो सैलरी है वो अगर उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है उन, उसके उनकी नीड uh, को कंप्लीट करती है तो क्या होगा कि वो मैन विल बी हैप्पी जो वर्कर होगा वो हैप्पी रहेगा वो अच्छे से काम करेगा अच्छे से और अपना हंड्रेड टेन परसेंट देगा सबसे ज़्यादा ये इम्प्रूव होगा अगर हम इंसेंटिव पॉलिसी को इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में देन वॉट इज द प्रिंसिपल जमेंट फर्स्ट वन इज डेवलप साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्कमेन विच रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थम मैथड बाई दिस मैथडन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द टास्क मीन्स क्या है रूल ऑफ़ थंब को हमें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करना है बल्कि हर काम को करने का एक अच्छा सबसे बेस्ट वे होता है किसी भी काम को करने का एक सबसे अच्छा वे होता है बेस्ट वे होता है ऑफ डूइंग अ टास्क कैन बी डिसाइडेड एन स्टैंडर्ड आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड मींस एक स्टैंडर्ड तरीका सेट किया जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए हर काम को करने का और वही तरीका क्या है सबसे बेस्ट है। हमें सिर्फ रूल ऑफ थम को हमें फॉलो नहीं करना है इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी साइंटिफिकली सेलेक्ट एंड ट्रेन टीच एंड डेवलप वर्कमैन वेयर एज इन द पास्ट वर्कर चूज इज ओन वर्क एंड ट्रेन हिमसेल्फ एज बेस्ट ही कुड मीन्स हमें साइंटिफिकली क्या करना चाहिए कि हमें एक एक, एक, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए जो रिक्रूटमेंट होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहिए हमें ट्रेनिंग कंडक्ट करनी चाहिए उनको टीच करना चाहिए इम्प्लॉयज़ को और हमें अल्टीमेटली उनको इस तरीके से हमें डेवलप करना चाहिए वर्कमैन को बल्कि पास्ट में क्या होता था कि जो वर्कर्स होते थे वो अपने आप से अपना काम चूज़ कर लेते थे ख़ुद को ही ट्रेन कर लेते थे उस काम के अकॉर्डिंग और वो काम करना शुरू कर देते जैसे वो कर सकते हैं बट अभी ये नहीं चलेगा अभी क्या होगा हमें इंप्लॉयज़ को ट्रेन करना होगा वी नीड टू ट्रेन द वर्कर्स कि हमें एक स्टैंडर्ड सेट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्क चाहिए मैनेजमेंट को उसके अकॉर्डिंग वर्क चाहिए मैनेजमेंट शुड फुली कोऑपरेट विद वर्कर्स एज टू इंश्योर दैट वर्क इज डन इन अकॉर्डेंस विद द साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप फॉर दिस पर्पज मीन्स मैनेजमेंट को वर्कर्स uh, के साथ कॉपोरेट करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो वर्क है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए स्टैंडर्ड जो सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए इन अकॉर्डिस्थ द साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप फॉर दिस पर काम है उसके लिए जो साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए देर मस्ट बी आ इक्वल डिविजन ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कमेन मैनेजमेंट शुड टेक ऑल ओवर द वर्क विच दे आर बेटर सुटेड इन द पास ऑल द वर्क एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वोन ऑन द वर्कमेन मीन्स मैनेजमेंट और वर्कमैन के बीच मीन्स एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए इक्वल डिविजन होना चाहिए काम का वर्क का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मीन्स मैनेजमेंट को भी काम करना चाहिए जो उनको बेस्ट सूट करता है मैनेजमेंट शुड टेक ऑल ओवर वर्क फॉर विच दे आर बेस्ट सूटेड और पास्ट में क्या होता चला आ रहा था अभी तक बिफोर दिस थ्योरी कि जितना भी काम होता था जितनी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो हम सीधे सीधे वर्कर्स पे डाल देते थे वर्कमैन पे हम अपनी फोर्स पे डाल लेबर फोर्स पे डाल देते थे और अल्टीमेटली क्या होता था दे uh, जो वर्कमैन होते हैं वो अल्टीमेटली ओवरबर्डन हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाता है टेलर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विथ समराइज द फिलोसफी ऑफ द फोर अब प्रिंसिपल टेलर के अकॉर्डिंग इसके जो फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस थ्योरी के कौन से हैं फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंबिया ये अभी हमने देखा कि हमें साइंटिफिकली काम करना चाहिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स बैलेंस्ड होना चाहिए कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मीन्स हमें टीम वर्क की स्पिरिट को डेवलप करना है ना कि इंडिविजुअलिज्म को मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट जो आउटपुट होना चाहिए दैट शुड बी मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी मींस हर रिसोर्सेज जो है हमारे उनको ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी में उनको यूज करना चाहिए उनको डेवलप करना चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू टेलर इनवॉल्व्स अ कम्पलीट मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स टू वर्च दे ड्यूटीज दे वर्क दे फेलो and their employers on the part of manager towards their employees and the problem means it involves a complete mental revolution means हम अपने काम के प्रति अपनी duties के through हम अपनी duties के through अपने employers के through हमें complete fulfill फुल, मतलब means एक revolution है एक अच्छे से हमें काम करना पड़ेगा full efficiency के साथ काम करना पड़ेगा in the same way जो मैनेजर्स हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द इम्प्लॉयज मेंटल रिवोल्यूशन कैन बी न्यू आउटलुक रिक्वायर्स अ रियलाइजेशन ऑफ बोथ पार्टीज़, वर्कर्स एंड मैनेजर दैट म्यूचुअल इंटरेस्ट इज नॉट कॉन्ट्रोडिक्टी बोथ कैन पर ओनली थ्रू कॉपरेशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जो उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए अलग अलग नहीं होना चाहिए दे नीड टू कॉपरेट विद ईच अदर उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स uh, को अचीव कर सकते हैं दिस इज असेंस ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी मीन्स क्या है क्या असेंस निकला इसका कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स मीन्स मैनेजर और वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए एक सामंजस्य होना चाहिए कॉपोरेशन होना चाहिए उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए वर्कर्स अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहें अकाउंटेबल रहें इन द सेम वे मैनेजर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को तभी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम हो सकता है दैट इज़ द असेंस ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी प्रिंसिपल दिए हैं जो मेथड्स दिए हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है टेलर का दैट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फोरमैनशिप अ वर्कर और वर्कर मस्ट बी गाइडेड बाय द एड फंक्शनल फोरमैन और जिनको हम स्पेशलाइज सुपरवाइजर भी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मैक्स टू मैक्स आठ तरीके के वर्क होते हैं तो जो एम्प्लॉय है तो जो वर्कर है दैट शुड भी ट्रेन बाय और दैट उसको जो वर्क जो टास्क असाइन किए जाने चाहिए वो एट्स पीरियर्स के थ्रू किए जाने चाहिए मीन्स किसी कोई वर्कर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है अगर उसको फाइनेंस से रिलेटेड कोई वर्क असाइन हुआ है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो हेड है एडमिनिस्ट्रेटर है वो उस वर्क को ईजिली उसको नहीं समझा पाएगा बट जो टेक्निक है जो फाइनेंशियल टेक्निक है जो आ, अकाउंटिंग है बेसिक अकाउंटिंग तो वो बता सकता है बट जो तो उसमें स्पेशलाइजेशन है अगर वो वही वर्क उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू असाइन किया जाता है तो वो इजीली उसको कर सकता है उसमें उससे उसको एक स्पेशलाइज सुपरवाइजर भी मिल जाएगा टेलर द दे सिंगल फोरमैनशिप टेलर रिजेक्टेड द दे कंसेप्ट ऑफ सिंगल फॉरमैनशिप विच टॉक्स अबाउट द यूनिटी ऑफ कमांड और लीनियर सिस्टम और मिलिट्री सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी ऑफ कमांड सबसे पहले जो लिया गया था वो मिलिट्री ऑर्गेनाइज मिलिट्री टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से ही लिया गया था अंडर विच वर्कर रिसीव ऑर्डर फॉम ओनली वन सुपीरियर ही रिजेक्टेड दिस प्रिंसिपल ही सीज दैट ऑफ द एट फंक्शनल फोर मैनशिप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड सिटिंग इन द प्लानिंग रूम और ये एट uh, जो सुपरवाइजर्स है, हैं वो कौन कौन से होंगे दे आर ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क मीन्स जो ऑर्डर ऑफ वर्क है जो रूट क्लर्क है उसके थ्रू इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क शॉप डिसिप्लिनियर एंड अदर फंक्शनल फोरमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन इन सर्व ऑम द शॉप फ्लो दे आर गैंग बॉस स्पीड बॉस इंस्पेक्टर रिपेयर बॉस The effect each worker will have its functional bosses, thus it facilitate specialization as well as separate uh, separation of planning from execution means. Kya hoga? कि जो आ, वर्कर है जो वर्कर को एड बॉसेस के थ्रू काम असाइन होना चाहिए जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन इंश्योर करने के साथ साथ जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में सेपरेशन है हम वो भी इंश्योर कर सकें सो दैट द प्लानिंग डिपार्टमेंट कैन बी फोकस्ड ऑन द प्लानिंग पार्ट ओनली नॉट इन द नॉट इन द एग्जीक्यूटिव पार्ट second method is motion study what is motion study basically this study talks about the standardization of work method it says that key किसी भी काम को करने का इन अ पर्टिकुलर जॉब देयर इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ बेस्ट सेट्स ऑफ मोशन मींस किसी भी काम को करने के लिए कुछ बेस्ट तरीके होते हैं दस इट इज डिजाइन टू डिटरमाइन द प्रेफरेबल वर्क मेथड विद कंसिडरेशन ऑफ टूल इक्विपमेंट्स और मटेरियल हैंड एंड बॉडी मोशन मीन्स किसी काम करने के लिए बेस्ट तरीके होते हैं एंड वी नीड टू फाइंड आउट दैट वन बेस्ट वे टू डू आ वर्क मीन्स एक स्टैंडर्ड होना चाहिए काम को करने के लिए ये है टेलर की थ्योरी देन वी हैव अ टाइम स्टडी अकॉर्डिंग टू टाइम स्टडी किसी भी काम को करने के लिए मीन्स एक स्टैंडर्ड तरीका हमने देखा कि जो का, काम को करने का वर्क को करने का वन वेस्ट भी क्या है बट देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट टास्क ऑल्सो मीन्स स्टैंडर्ड तरीके के साथ साथ मीन्स स्टैंडर्ड टेक्निक के साथ साथ स्टैंडर्ड टाइम भी होना चाहिए फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क इससे क्या होगा कि इट फैसिलिटेट द प्लानिंग ऑफ लार्ज डेली वर्क एंड फॉलो मोशन स्टडी मीन्स क्या होगा कि हम मोशन स्टडी को फॉलो करते मतलब वे, वन बेस्ट वे को फॉलो करते करते हम उसका जो स्टैंडर्ड टाइम है हम उसको भी फॉलो करेंगे तो जो डेली के टास्क हैं उसमें क्या होगा कि हम ईजिली उनको डिवाइड कर, कर सकते हैं कि पर डे हम कितना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं वी नीड टू यूज द स्टॉप वॉच इज असेंशियल फॉर दिस टेक्निक वी नीड टू यूज द स्टॉप वॉच फॉर एनालाइज और मीजर द स्टैंडर्ड टाइम मीन्स किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है उसी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड उसका एक स्टैंडर्ड टाइम भी होता है वी नीड टू सेट दैट जिससे क्या होगा हम ऑर्गेनाइजेशन एफिशेंसी को ईजिली अचीव कर सकते हैं डिशियल पीस रेट सिस्टम प्लान टेलास्टेड दैट पे बाय पीस रेट ऑन द बेस ऑफ स्टैंडर्ड सेट बाई द मोशन एंड टाइम स्टडीज मीन्स मोशन और टाइम स्टडीज के लिए जो हमने uh, जो हमने स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड uh, जो वे डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हमें रेट वाइज पे करना चाहिए वी नीड टू पे बाय पीस रेट इट ऑल्सो नोन एज द डिफरेंशियल पीट रेट प्लान अंडर दिस पीस रेट प्लान अंडर दिस प्लान वर्कर आर पेड अ लो पीस रेट अप टू स्टैंडर्ड लार्जर बोनस अंडर स्टैंडर्ड एंड हायर पीस वेट अब स्टैंडर्ड मीन्स क्या होगा कि इसमें हमें अगर हमें वी नीड टू सेट मीन्स uh, हमें कैटेगरी वाइज और लेवल डिसाइड करने चाहिए किसी काम को करने के लिए कि अगर आपने स्टैंडर्ड तरीके तक ही काम किया है तो हम आपको लो पे करेंगे लो पीस रेट होगा बट अगर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लेवल का किया है अच्छा उससे अच्छा काम काम किया है तो उसमें बोनस और इंसेंटिवस इंक्लूड होंगे लार्ज बोनस होगा और हाइयर पीस रेट अगर आपने स्टैंडर्ड लेवल से बहुत अच्छा वर्क किया है तो क्या होगा आपको हायर पीस रेट के uh, थ्रू पे किया जाएगा ऑब्वियसली द प्लान ऑफ पेमेंट मेक्स द वर्कर पुट फोर्थ ऑफ द बेस्ट डिफोर्ट इसमें क्या होगा कि जब उनको पता है कि अगर मैं बहुत अच्छा अपना बेस्ट दूंगा हंड्रेड एंड टेन परसेंट दूंगा तो मुझे हायर पीस रेट के थ्रू पे किया जाएगा तो क्या होगा कि जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैन इज अ इकोनॉमिक मैन तो वो अपना बेस्ट बेस्ट लगाएगा अपने अकोम डालेगा उस काम को करने के लिए और अल्टीमेटली क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे ही होंगे साथ साथ जो वर्कर है वो भी बहुत अच्छा अर्न कर सकता है उसको हाई पीस रेट के थ्रू सैलरी दिया जाएगा टेलर सेट दैट पीस एड प्लान बाय वर्च्यू ऑफ बींग डायरेक्ट एंड क्विक इज मोर इफेक्टिव देन द प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इन मोटिवेटिंग द वर्कर्स मींस क्या होगा कि इसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है उसको हम शेयर कर रहे हैं तो इट विल अल्टीमेटली मोटिवेट द वर्कर्स टू अचीव द टारगेट इन इन अ वेरी क्विक और क्विक मैनर विद अंडर्ड बाई दॉलोइंग द मोशन स्टडी एंड द टाइम स्टडी एज वेल He suggested that a worker who is unable or unwillingly to produce their standard should be the move means to वर्कर्स हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं या जो नहीं करना चाहते हैं उनको हमें ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव कर देना चाहिए किसके बाद आफ्टर साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने एक सिलेक्शन प्रोसेस है हमारा उसको फॉलो किया ट्रेनिंग भी दिया उनको उनका डेवलपमेंट के बाद भी अगर वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं उनको हमें रिमूव कर देना चाहिए वट इज एक्सेप्शन प्रिंसिपल एक्सेप्शन प्रिंसिपल इज दैट इट इन्वॉल्व द सेटिंग ऑफ अ लार्ज डेली टास्क बाय मैनेजमेंट विद रिवार्ड फॉर अचीविंग टारगेट्स एंड पेनल्टी फॉर नॉट मीटिंग इट मीन्स हमें जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए उसके साथ साथ जो डेली टास्क है उसको मैनेजमेंट के थ्रू असाइन किया जाना चाहिए और अगर उसको अचीव करते हैं टारगेट्स अचीव करते हैं उसके लिए देर शुड भी असर्टेन रिवॉर्ड uh, और अगर हम नहीं उसको अचीव करते हैं तो वहाँ पे हमें पेनल्टी भी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में टेलर सजेस्टेड दैट मैनेजर शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द आइटम दैट आर एट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बट शुड बी कंसर्न मोस्टली विद द एक्सेप्शनल आइटम दैट इज वरी फ्रॉम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं होना चाहिए उसको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें बल्कि उसको कंसर्न पे होना चाहिए जो एक्सेप्शनल आइटम है जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से वरे कर रहे हैं दूर है उनपे उसका फोकस होना चाहिए वट आर द अदर टेक्निक्स इन एडिशन ऑफ टू द टेक्निक्स टेलर दबिको डेवलप द फॉलोइंग टेक्निक्स द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट यूज इन द ट्रेड एज वेल एज एक्ट एंड मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स द स्टैंड ऑफ ऑल टूल इम्प्लीमेंट यूज इन द ट्रेड मीन्स जितने भी टूल है जो हम मशीनरी या फिर जो हम रिसोर्सिस uh, यूज कर रहे हैं वो भी स्टैंडर्ड लेवल के होने चाहिए और तभी उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें द मिनिमोनिक सिस्टम मिनिमोनिक मीन्स होता है स्मृति सहायक मिनिमोनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एज वेल एज इम्प्लीमेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो टूल्स हैं वो जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैं उनका सही यूज़ होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैन्युफैक्चरिंग में हमें यूज़ करना चाहिए टू सेटिंग अप ऑफ अ सेपरेट प्लानिंग सेल और डिपार्टमेंट मीन्स प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए एक्जीक्यूशन डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए सो दैट द प्लानिंग डिपार्टमेंट कैन फोकस ओनली ऑन द प्लानिंग फॉर द ऑर्गनाइजेशन ग्रोथ द यूज ऑफ टाइम सेविंग इम्प्लीमेंट लाइक स्लाइड रूल्स मॉडर्न कॉस्ट सिस्टम सिस्टम इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर दे शुड बी इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर्स दाउटिंग सिस्टम होना चाहिए मॉडर्न कॉस्ट सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में दीज द अदर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर के जो फॉलोअर्स हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आफ्टर टेलर जिन लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को प्रमोट किया था उसके ग्रोथ के लिए दैट इज एच जेंट गिल्स एच इमर्सन अब हम बात करेंगे क्रिटिक्स क्रिटिक्स और ऑपोजिशन क्या है इस थ्योरी के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट केम टू बी क्रिटिकासाइज एंड अपोज बाय वेरियस एक्शंस जो वेरियस थिंकर्स हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है इस थ्योरी को और इनके अपोजिशन में जो है उसको हम अब हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्रिटिसाइज्ड ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शॉप फ्लो मीन्स जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोअर लेवल है उस पर फोकस करती है एंड इट नेग्लेक्ट्स द ऑर्गनाइजेशनल प्रोसेस एट द हायर लेवल मीन्स जो लोअर uh, लेवल के बाद जितने भी लेवल है मेडवल लेवल है हायर लेवल है उन सबको ये इग्नोर करती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इट डिड नॉट स्ट्रेस एंड इंटीग्रेशन एंड कॉर्डिनेशन ऑफ हायर लेवल ऑफ़ organization means this theory is only concerned with the lower level of organization it was criticized as a mechanistic theory of organization and it is uh, neglected the human side of the organization in other words it is uh, interpreted the organizational efficiency in the mechanistic terms it treated workers as a machine and sought to make him efficient as a ma machine itself obviously it was opposed by the workers means इस थ्योरी को वर्कर्स ने भी क्रिटिसाइज किया है किस बेसिस पे कि ये मकैनिस्टिक थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज अ मकैनिस्टिक थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशन मींस जो ह्यूमन साइड है ऑर्गेनाइजेशन का ये उसको इग्नोर करती है बल्कि जो वर्कर है जो जो इम्प्लॉय है उसको एज अ मशीनरी ट्रीट करती है ये थ्योरी जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो वर्कर काम कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए एक काम करने का तरीका होना चाहिए सेंड टाइम होना चाहिए पेनल्टी होनी चाहिए रिवॉर्ड्स होने चाहिए मींस कि इट ट्रीटेड वर्कर एज अ मशीनरी और उनको इतना एफिशिएंट बना दो कि जितना मशीन होती है मीन्स उन उनसे मशीन के द्वारा काम किया करवाया जाता है ये ह्यूमन साइड को इग्नोर करती है ये थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए मकानिस्टिक टर्म्स यूज किए जाते हैं इस थ्योरी में ओनली तो ये वर्कर्स के थ्रू क्रिटिसाइज की गई है ये थ्योरी इट वाज क्रिटिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ अंडर एस्टिमेटेड एंड ओवर सिंप्लीफाइड ह्यूमन मोटिवेशन मीन्स इट इज ऑल्सो क्रिटिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ अंडर एस्टिमेट मीन्स ये ह्यूमन मोटिवेशन को अंडर एस्टिमेट करती है ओवर सिंप्लीफाइड करती है इट एक्सप्लेन ह्यूमन मोटिवेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स जो ह्यूमन का जो मोटिवेशन है जैसे हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया है कि मैन इज अकोनॉमिक मैन इकोनॉमिक uh, पर्सन होता है तो क्या है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पे ही फोकस करती है ये सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती है ये थ्योरी सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पे फोकस करती है कि अगर मैन अगर हमें आदमी से इन सिंपल वर्ड्स अगर हमें इम वर्कर से काम लेना है तो उसके लिए हमें इंसेंटिव मोनिटरी मॉनेटरी प्लान्स करने चाहिए फंड्स इंसेंटिव्स बोनस प्लान करने चाहिए किसी भी और तरीके के मोटिवेशन पे ये वर्क नहीं करती है सोशल साइकोलॉजिकल किसी भी पे भी वर्क नहीं करती है इट केम टू बी मोर नोन एज द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ मोनिस्टिक थ्योरीज मोनो थियोरी है ये मोटिवेशन की स्टडीज कंडक्टेड बाई द एल्टन मे ओ दे वील दैट द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर आर नो लेस इंपॉर्टेंट दैन इकोनॉमिक फैक्टर इन डिटमाइनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गनाइजेशन एंड एक्सप्लेनिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स सिमिलर व्यूमर एक्सप्रेस बाई द अदर ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरिस्ट लाइक एमप्यू फॉलेट पीटर ट्रकल ओलिवर शेलडन एंड चेस्ट बर्नाड एन चेज एग्रीज नेक्स्ट इज इट इज डिस्क्राइब्ड एज द साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बाय मार साइमन ड्यू टू इट्स कंसर्न ओनली विद द रेंज ऑफ वर्कर्स बिहेवियर विच परटेन टू प्रोडक्शन मीन्स क्या है कि यहाँ पे हमारा जो वर्कर का जो मेजर गोल है सिर्फ उनका जो काम है सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड है बाकी किसी भी थ्योरी पे कि बाकी किसी भी फैक्टर पे ये नहीं फोकस करती है ये थ्योरी इट रिसीव द ग्रेटेस्ट ऑपोजिशन फ्रॉम द लेबर लीडर्स Trade unions, ke, through the application of Taylor's principle, mental revolution, resolves all the dispute between the employers and the workers and establish a effective cooperation between them. Thus, it makes the trade union unnecessary. In other words, Taylor, Taylorism was considered not only the threat to their role but also to the growth of the trade union movement as well as a principle of collective bargaining. In fact, the investigation report of Professor Herbert Hoxie. said that the basic ideals of scientific management and लेबर unionism were not compatible. मीन्स सबसे ज्यादा जो अपो अपोज किया इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया वो किसने किया ट्रेड यूनियन ने किया इस एप्ले इस थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि जो मेंटल रिवॉल्यूशन है मेंटल रिवॉल्यूशन जो टेलर uh, का प्रिंसिपल का कहता है वो ये कहता है कि मैनेजर और एम्प्लॉयर्स को जितने भी कॉपोरेशन uh, के साथ काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ना कि कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो भी उनमें डिस्क्रिप्शन uh, uh, जो भी उनमें डिफरेंसेस हैं कॉन्ट्रोडिक्शन है उनको वो रिमूव करना चाहिए और ये क्या है ये ट्रेड यूनियन को अननेसेसरी बनाती है ये थ्योरी इट वॉज ऑल्सो अपोज बाय द मैनेजर ड्यू टू टू रीजन फर्स्टली दे वुड लूज दे जजमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ड्यू टू दिन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सेकेंड द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेज अंडर टेलरिज्म मैनेजर्स के द्वारा भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया दो रीजन के लिए फर्स्ट की जो अपना जजमेंट है जो डिस्क्रिप्शन है वो लूज कर देंगे इस थ्योरी में क्योंकि सारी चीजें क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग ही है तो वो अपना जजमेंट नहीं बता पाएंगे अपना जजमेंट नहीं सुना पाएंगे और जो उनका डिस्क्रिप्शन है वो भी इसमें नहीं दिख पाएगा सेकेंड द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेज जैसे हमने टेलर रिजमी में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जो वर्क है जो काम है ऑर्गेनाइजेशन में वो डिवाइड होना चाहिए मैनेजमेंट और इक्वल डिवीजन होना चाहिए काम का मैनेजमेंट और लेबर के लेबर में मीन्स वर्कर में जो भी बेस्ट सूटेड वर्क है मैनेजमेंट को वो दिया जाना चाहिए पहले क्या होता था सारा बर्डन सिर्फ एम्प्लॉइज पे होता था वर्कर्स पे होता था बट इस थ्योरी में ऐसा नहीं है इसलिए मैनेजर्स मैनेजमेंट ने भी इस थ्योरी को क्या किया कि साइज किया है क्योंकि इस इस थ्योरी को अडॉप्ट करने से उनका काम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है सो so ये, ये था टेलरिज्म के बारे में इस प्रिंसिपल के बारे में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में ये सब कुछ था सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में तो इट ऑल टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ मैनेजमेंट एंड अ लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी फ्योल उर्बिक और लूथर गोलिक ने जो प्रिंसिपल दिया है क्लासिकल थ्योरी वो हम डिस्कस करेंगे टिल देन टेक केयर गुड बाय स्टे कनेक्टेड विद मी एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज hit the like button and comment and also share my video with other fellows friends